हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट वन पैन पिज्जा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, इंस्टेंट वन पैन पिज़्ज़ा। इंस्टेंट वन पैन पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन ले लें, जो इस तरीके से देखिए इसमें लाइन हो और हैवी बॉटम का हो, क्योंकि ये पैन पिज़्ज़ा है इसलिए हम सब कुछ पैन में ही करेंगे। हाफ कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले रही हूँ, हाफ टी स्पून चीनी ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इन सबको मिला लेंगे। ये मैंने 2/3 कप मैदा ली है, ये इसमें डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। साइडों से इसको थोड़ा नीट कर देंगे। ये हमारा पिज्जा का बेस तैयार है। अब इसके ऊपर पिज्जा अरेंज करूंगी। ये मैंने पिज्जा सॉस ली है, ये इसके ऊपर लगाएंगे। हल्के हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करेंगे। इसका जो बेस है उसको ऐसे मैंने गीला ही छोड़ा है, क्योंकि ये हमारा वन पैन पिज्जा है तो हम सब एक साथ ही इसको अरेंज करके एक ही बारी में बेक करेंगे। ये मैंने ग्रेट की हुई मोजरेला चीज ली है, ये इसके ऊपर लगाएंगे। ये मैंने कलर्ड बेल पेपर्स काटी हैं, एक छोटा छोटा प्याज काटा है और ये ब्लैक ऑलिव्स हैं। आप इसके ऊपर अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग्स लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल रही हूँ। अब इसको बेक करेंगे। ये इंस्टेंट वन पैन पिज़्ज़ा मैं गैस पे बेक करूंगी। गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे और इसका लिड लगा के, लिड में जो ये वेंट होता है इसको कपड़े से ढक देंगे और इसको 15 मिनट तक बिल्कुल स्लो गैस पे, ये ऊपर की चीज़ पिघलने तक बेक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब 15 मिनट के बाद इसको हटा देंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरह बिल्कुल स्लो गैस पे और इसको बेक होने देंगे। जो आपकी गैस का सबसे छोटा बर्नर है उसी को यूज़ करें। पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 5 मिनट और हो गए हैं, अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए कितना शानदार हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है। ये देखिए एकदम क्रंची बन गया है। ये देखिए बिना किसी झंझट के कितना अच्छा पिज़्ज़ा बना है। जब मन करे पिज़्ज़ा बनाने का, कोई सोचने की बात ही नहीं, झटपट से ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।